गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम टू अनदर डे अनदर व्लॉग। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को। एंड ओ माय गॉड, धूप की शिद्दत आप लोग देख सकते हैं किस कदर धूप है यहाँ पे। आज का जो दिन है, दैट इज गोइंग टू बी अनदर डे वेयर आई एम जस्ट गोइंग टू गो आउट एंड डू सम थिंग्स। अभी मेरा एक पार्सल आया है एंड मुझे कहा गया था कि वो पार्सल जो है वो आपको डिलीवर होगा तकरीबन मंडे को। आज है सैटरडे और मुझे था कि मैं आराम से पैसे निकलवा लूँगा, लेकिन वो पार्सल आज ही डिलीवर होने को आया, तो मैंने उसे कहा कि मैंने कहा थोड़ा वेट करें, लेट मी गेट माई मनी आउट ऑफ माई एटीएम, देन आई विल रिसीव इट। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, कोई मसला नहीं है, आप हमें कॉल कर दें और हम आपको आगे पार्सल दे जाएंगे। आई सेड ओके, दैट्स रियली नाइस। तो अभी मैं जा रहा हूँ जनाब एटीएम टू गेट द मनी आउट, सो आफ्टर दैट आई विल टेक द पार्सल। अच्छा, पार्सल इज अबाउट पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके ऊपर आपको बात करनी चाहिए। यू नीड टू नो अबाउट इट एंड यू नीड टू प्रैक्टिस इट, कि आप अपने आप को क्लीन रखें, आप जो है वो अपने लिए भी बेनिफिट रखें और दूसरों के लिए भी। सफाई वैसे भी निस्फ ईमान है और आपको जो है वो साफ सुथरा रहना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, हम लोग अपनी बॉडी साफ कर लेते हैं, हम अपना सब कुछ साफ कर लेते हैं, लेकिन हम लोग जो है वो ज़्यादा ओरल केयर के बारे में नहीं एम्फसाइज करते इतना। बाहर जैसे होता है अब्रॉड के अंदर कि वो लोग अपने ओरल हाइजीन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, खासतौर पर अमेरिका एंड थिंग्स लाइक दैट, दे नीड देयर टीथ टू बी वाइट, वहाँ पे ये सब कुछ होता है। लेकिन हमारे यहाँ पे बहुत कम ऐसा होता है। जब हमें बहुत ज़्यादा कोई मसला बनता है दांत का, तब हम लोग जो है वो अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, अदरवाइज हम लोग कुछ नहीं करते, कोई अपनी क्लीनिंग नहीं करवाते, कोई कुछ भी नहीं करते। सो दैट इज़ अ रियली बैड थिंग। सो ब्रशिंग इज़ नेसेसरी, जो आपको डेली अपनी ओरल हाइजीन में करना चाहिए। यू नीड टू फ्लॉस इट, लेकिन हमारे यहाँ पे फ्लॉस का ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, सिर्फ एक टूथपिक होती है फ्लॉस के नाम पे, जो कि लोग यूज़ करते हैं थोड़ा बहुत और उसके साथ जो है वो काम चला लेते हैं। सो अभी मैंने जो था वो ओरल बी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ओरल हाइजीनिक ब्रांड, जिसके अंदर आपको ब्रशेस मिलते हैं और ओरल हाइजीन की चीज़ें मिलती हैं। सो आई वॉज लुकिंग ऑनलाइन और वहाँ पे मुझे ओरल बी का एक जो था वो इलेक्ट्रिक टूथब्रश मिला एंड आई लव्ड इट। मैंने उसके बारे में काफ़ी रिव्यूज़ चेक किए, यूट्यूब चेक किया, दैट वॉज गुड, सो आई ऑर्डर इट। और वो आज जो था वो डिलीवर होना है एंड मेरा एटीएम आई नहीं रहा, काफ़ी देर हो गई। सो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू गाइज कि आप लोग जो है वो अच्छे क्वालिटी ब्रशेस की तरफ जो है वो जाएँ, एंड ओरल बी इज़ वन ऑफ द ब्रांड जो कि आप ले सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। देर आर सो मैनी चीप ब्रांड्स ऑल्सो जो कि आपको मिल जाते हैं 50 रुपीज़, 40 रुपीज़, 30 रुपीज़, ये वो, लेकिन हमेशा जो है वो एक अच्छा और सॉफ्ट ब्रश है, उसको आई थिंक यूज़ करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू द वंस जो कि अक्सर आपको मार्केट में मिलते हैं बड़े सस्ते, और उनका जो मसला होता है वो ये होता है कि वो इतने हार्ड होते हैं कि वो आपके गम्स वगैरह पे ब्लीडिंग कराते हैं, और कुछ लोग हमारे बहुत अग्रेसिवली जो है वो ब्रशिंग करते हैं, विच इज़ नॉट गुड। सो मेरा एटीएम आ गया, आई कंटिन्यू विद दैट। ओके, तो ये तो था बहुत ढेर सारा भाषण आप लोगों को ओरल हाइजीन के ऊपर। एंड अभी प्रॉब्लम ये हुआ कि यहाँ मैं इतनी दूर एटीएम के ऊपर आया और यहाँ पे एटीएम वर्क नहीं कर रहा, द मशीन इज़ आउट ऑफ सर्विस, सो आई एम जस्ट गोइंग आउट टू अनदर वन जो कि बहुत दूर है हमारे यहाँ से। सो लेट्स गो, क्या कर सकते हैं यार, क्या करें। एक चीज़ का मुझे इंतहा का गुस्सा आता है कि हमारे यहाँ पे मतलब इतनी आबादी है एंड एवरीथिंग, लेकिन यहाँ पे एटीएम्स ही नहीं है। एक बैंक है मार्केट काफ़ी दूर जाके और वहाँ पे भी एटीएम अक्सर जो है वो आउट ऑफ सर्विस होता है, और अब मुझे पैसे लेने के लिए आई नीड टू गो सो फार, लाइक कह लो कि ऑलमोस्ट 7 to 8 किलोमीटर्स दूर जो है मुझे जाना पड़ रहा है। वाओ, ऑलराइट, सो फाइनली काफ़ी मेहनत के बाद जाके जो है वो मुझे एटीएम से पैसे मिले। नाउ आई एम गोइंग टू कलेक्ट माई पार्सल। एंड आज का दिन क्या मतलब अजीब गुजरा, आई नो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी बोरिंग व्लॉग फॉर यू गाइस, बट स्टिल आई एम डूइंग इट बिकॉज आई वांटेड टू डू अ व्लॉग फॉर यू गाइस। अच्छा, उसके अलावा ये कि अभी देन आई एम गोइंग टू द मार्केट टू गेट सम क्लोथ्स फॉर माय सिस्टर्स वेडिंग, एंड ये सारे काम जो हैं वो तो चलते ही रहेंगे। अच्छा, जितने भी इस वक्त अगर लड़के मुझे देख रहे हैं या घर में आपके लड़के हैं, ये जितने भाई, हस्बैंड्स, फादर्स या फिर कजन्स जो गाड़ी चलाना जानते हैं और इनके साथ आपकी बनती है, मतलब उनको पता होगा ये पेन
कि आपको कितनी ड्राइविंग करनी पड़ती है यार, अगर आपके घर में किसी की शादी हुई, आपके अजीज व अकारिब में अगर किसी की शादी हो, तो कितना कुछ करना पड़ता है आपको, हर वक्त जो है वो ड्राइविंग सीट पे बैठना पड़ता है, विच इज़ अ पेन। और मेरी गाड़ी में एक मक्खी घुस गई है, जो मुझे नफरत है मक्खियों से, इन माई कार आई कैन नॉट टॉलरेट दैम। सो ये जो है वो सारे सीन्स हैं। और अभी मैं घर जा रहा हूँ, और नहीं बल्कि पार्सल कलेक्ट करने जा रहा हूँ। सो उसके बाद में बुलाया मुझे भाई साहब ने कि आप यहाँ वेट करें, मदीना स्वीट्स के सामने, और मैं यहाँ पे जो है वो जल्द से जल्द पहुँच रहा हूँ। वेट करेंगे और जब वो आएंगे तो उनसे पार्सल लेंगे और फिर अपने घर चले जाएंगे। सो जी फाइनली देखते देखते आधा घंटा बर्बाद करके हम लोग वापस आ चुके हैं। दिस इज़ द पार्सल विच आई वॉज लुकिंग फॉर। और अभी जो है वो मैं अपनी मदर को पिक करके एंड आई एम गोइंग टू गो फॉर द माखर अगेन। ओ माई गॉड, दिस लाइफ इज सो हेक्टिक। ये जो वेडिंग की प्रिपरेशन वाली होती है ना, इट्स सो लाइक इट फील्स सो गुड कि आप किसी के घर वेडिंग पे जाओ, अच्छे से तैयार हो, खाना पीना करो, इन्जॉय करो। लेकिन जब आपके अपने घर पे वेडिंग होती है, माय गॉड, सच अ मेस। मेहमानों का अरेंज करना, सुनाना, उससे पहले शादी की सारी तैयारियां करना, शॉपिंग, हॉल बुकिंग, ओ माय गॉड, दिस इज अ मेस, लिटरली इट्स अ मेस। एंड हैट्स ऑफ टू द पीपल जो ये सब कुछ करते हैं, हैट्स ऑफ टू मी एज़ वेल, बिकॉज़ आई एम डूइंग। दिस इज द ओरल बी प्रो एक्सपर्ट ब्रश जिसके पीछे मैं इतना ज़लील हूँ। Oh my god, it says it's for cleaner teeth, dentist, mass lymphoids, sorry kaun si language hai, so this is the packing to these sketchy baat ye thi ki yahan pe inka ek flap tha jisse maine karke se open kiya, so this is the product. It comes with two batteries, okay, Nanfeng batteries, and what else is here, I think, yeah, this is a guide how to use it, and this is the actual brush. Oh, it's by Braun. Braun ki kafi achhi products hoti hain, epilators, hair products. So let me put the batteries in and show you how. So I've inserted the batteries. बहुत ही ईजी था, यहाँ से इसको push करके ये cap निकलता है, उसके अंदर आपकी batteries चलती हैं। यहाँ पे show भी किया मैंने, भी निकलता है कि कैसे जो है वो use होता है। Now first time I'm just going to okay. I don't know, does it spin or just vibrate? I don't know. क्योंकि ये लग रहा है सिर्फ वाइब्रेट कर रहा है। See, it is just vibrating, it's not spinning. I was thinking that it spins. Oh my god, this is so funny. Right, I hope so कि आप लोग मुझे देख पा रहे हो। So I am in a market and अभी मैं अपनी फैमिली को जो है वो लेके मार्केट आया हूँ, और वो लोग गए हैं कुछ कपड़े जो बनने के लिए दिए हुए थे वो पिक करने। एंड दिस इज द गोल्ड चौक, द फेमस गोल्ड चौक, जहाँ पे बहुत सारी बुटीक्स हैं, बहुत सारे जो लोकल आपके सूट्स वगैरह बनाने वाले होते हैं फैंसी, वो हैं, काफ़ी सारी मतलब बुटीक्स हैं। तो यहाँ पे कहीं से उन्होंने जो है वो बनवाए, एंड दे हैव गॉन टू पिक इट अप। सो और अब मेरा काम ये है कि मैं यहाँ पे बैठ के वेट करूँ, सिर्फ वेट, इंतज़ार।